बेटा बात कर रहे थे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की, और केमिकल इक्विलिब्रियम का आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है। और आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डील करने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का डेरिवेशन है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, पार्ट वन जब आपने पढ़ा होगा तो पार्ट वन में भी मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, और पार्ट वन में भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव हुआ था। लेकिन पार्ट वन में जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव हुआ था वो डिराइव हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब एग्जाम में आता है तो आप दिमाग पर जरा जोर डालिएगा और देखिएगा, एग्जाम में अक्सर डेरिवेशन जो आता है वो कहता है कि डिराइव द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और बच्चे करते क्या है कि वो वाला डिराइव कर चले आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलिए बात करते हैं, हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हम ले सकते हैं। हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, तो कहा गया लेट अस कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। और हम एक ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं जिसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन में छोड़ रहा हूं, आप उसमें कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है जिसके कितने मोल हैं, तो स्मॉल ए मोल है। एक रिएक्टेंट बी है जिसका कितना मोल है, तो स्मॉल बी मोल है। और भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो मैं प्लस करके डैश 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 रख रहा हूं। अगर और भी रिएक्टेंट होंगे तो हम लिख लेंगे। ये हो गया रिवर्सिबल का एरो। मेरे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है, मान लेता हूं एम, जिसके नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल एम। एक मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है एन, जिसके नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल एन। और भी अगर प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो उनको भी लिख लिया जाएगा, मान लीजिए और भी प्रोडक्ट बन रहे होते। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए और बी कंबाइन करके एम और एन बना रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, और एम और एन फिर से कंबाइन करके रिटर्न बैक कर रहे हैं और बना रहे हैं ए और बी। अब चूंकि ये रिएक्शन दोनों साइड में चल रही है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव करना है, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव करना है किस बेसिस पर, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करना है। चलिए भाई, आपको मालूम है कि जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे, उन सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अपनी खुद की कोई ना कोई फ्री एनर्जी होगी, और किसी भी मॉलिक्यूल की या सब्सटेंस की जो फ्री एनर्जी होती है वो कहलाती है केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझे तो केमिकल पोटेंशियल कहलाता है मोलर फ्री एनर्जी। मोलर फ्री एनर्जी का मतलब हुआ कि फ्री एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस पर मोल, किसी भी सब्सटेंस की फ्री एनर्जी पर मोल। पर मोल क्यों? क्योंकि यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ये वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, तो हम पर मोल लेंगे और जितने मोल्स इसमें हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एनर्जी प्राप्त हो जाया करेगी। जैसे मान लीजिए ए एक मोल होता तो मोलर फ्री एनर्जी जो दी है वही होगी, लेकिन मान लीजिए ए पांच मोल है तो इसकी मोलर फ्री एनर्जी को पांच से गुणा कर देंगे। अब ए जो है वो ए टाइम्स है तो मोलर फ्री एनर्जी को ए टाइम्स से गुणा कर देंगे, बी की मोलर फ्री एनर्जी को बी टाइम्स से गुणा कर देंगे, ऐसे ही एम को और ऐसे ही एन को। क्योंकि मान लीजिए कोई सामान पांच रुपए का मिलता है और हमारे पास उसे पांच खरीदने हैं, तो बेटा पांच रुपए का एक सामान है, पांच खरीदने हैं तो पांच गुणे पांच यानी पच्चीस रुपए देने पड़ेंगे, तो उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इनकी केमिकल पोटेंशियल यानी मोलर फ्री एनर्जीज। तो कहा गया इफ द केमिकल पोटेंशियल्स, जो लोग नहीं समझ पाते केमिकल पोटेंशियल वो लोग ध्यान दे, ये है मोलर फ्री एनर्जी। इफ द केमिकल पोटेंशियल्स, तो ब्रेकर लिख दिया है मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल पोटेंशियल को, ए के लिए म्यू ए और बी के लिए म्यू बी,
डैश 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 अगर कोई और होते, ए एंड बी और म्यू ए एंड म्यू बी, एंड सिमिलरली फॉर एम एंड एन आर म्यू एम एंड म्यू एन रेस्पेक्टिवली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सुनिए, कहा गया इफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी है उनका केमिकल पोटेंशियल है म्यू ए म्यू बी, अगर कुछ और होता तो उसको भी लिखते। एंड सिमिलरली फॉर म्यू एम एन एन आर म्यू एम एंड म्यू एन रिस्पेक्टिवली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्री एनर्जी, मोलर फ्री एनर्जी ए की कितनी है म्यू ए, बी की म्यू बी, एम की म्यू एम और एन की म्यू एन। एक मोल के लिए मोलर, यहां कितने मोल है ए, तो इस वैल्यू को ए से गुणा कर देंगे तो पूरे की प्राप्त हो जाएगी, इस वैल्यू को स्मॉल बी से गुणा कर दोगे तो पूरे की मिल जाएगी। इस एक एम की वैल्यू इतनी है और स्मॉल एम टाइम्स है तो स्मॉल एम से मल्टीप्लाई, ये स्मॉल एन से मल्टीप्लाई। तो अगर हम टोटल रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी देखें, टोटल रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी, तो दस द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आर क्या होनी चाहिए। देखिए भाई, रिएक्टेंट कई सारे हो सकते हैं और कई सारे रिएक्टेंट के साथ साथ उसके कई सारे मोल भी हो सकते हैं, तो कई सारे रिएक्टेंट हो जाने की वजह से हम लिखते हैं समेशन जी, मतलब इस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्लस इस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्लस आगे जो होते तो उनकी फ्री एनर्जी, यानी सभी फ्री एनर्जीज का सम, यानी समेशन जी। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए इसकी फ्री एनर्जी प्लस इसकी फ्री एनर्जी प्लस आगे जो होता उनकी, तो इसकी फ्री एनर्जी कितनी है म्यू ए, तो ये हो जाएगा म्यू ए, प्लस इसकी फ्री एनर्जी कितनी है म्यू बी, तो सर ये हो जाएगा म्यू बी। अब जरा एक बात समझिए, ये तो मोलर है एक मोल के लिए, लेकिन ये एक कितने मोल है, इतने मोल, तो उससे गुणा कर दीजिए, तो ए टाइम्स ऑफ म्यू ए, ये बी टाइम्स ऑफ म्यू बी, प्लस और भी होते तो उनको लिखते। ऐसे ही सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट, या आप ऐसे लिखें सिमिलरली द टोटल फ्री एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्या बोलोगे, ये हो जाएगी समेशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट के मोलर फ्री एनर्जीज, तो ये हो जाएगा म्यू एम प्लस म्यू एन प्लस जो होते आगे, इनकी कितनी वैल्यू है स्मॉल एम टाइम्स, इनके कितने मोल्स हैं स्मॉल एन टाइम्स, तो ये हो गए। तो ये तो हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब बेटा रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो रिएक्शन में फ्री एनर्जी का चेंज आएगा। भाई रिएक्टेंट की मान लो 10 मोल है और प्रोडक्ट की 8 मोल, तो चेंज कितना होगा 2 मोल। मान लो रिएक्टेंट की 8 है प्रोडक्ट की 12 है, तो चेंज कितना होगा 4 मोल। तो किसी रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो कैसे निकलेगा, तो रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज होता है प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। तो द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट, चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी गिवेन बाई क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे डेल्टा जी इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस समेशन जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन तीन, ये बना लीजिए इक्वेशन दो, ये बना लीजिए इक्वेशन वन। तो ये हो जाएगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ समेशन जी ऑफ प्रोडक्ट समेशन जी ऑफ रिएक्टेंट। आप घटा दीजिए आपको नेट फ्री एनर्जी चेंज मिल जाएगी रिएक्शन की, तो जरा घटाते हैं भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी गेट, तो देखिए डेल्टा जी इक्वल टू, तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये हो गया प्रोडक्ट, तो ये बेटा हो जाएगा एम म्यू एम प्लस एन म्यू एन प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा बेटा ये। तो इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन फोर। अच्छा यहां एक बात आप और याद रखिएगा, मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ले रखी होती तो स्टैंडर्ड के केस में म्यू की जगह म्यू नॉट होते और जी की जगह जी नॉट होता। फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड स्टेट में लिखा जाता, जैसे एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो अगर ये रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में लिखी जाती तो ये क्या लिखा जाता, ये लिखा जाता डेल्टा जी नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड स्टेट है तो नॉट का टर्म आ जाएगा, तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट होता तो ये लिखा जाता जी नॉट, ये होता म्यू एम नॉट, ये होता म्यू एन नॉट, ये होता म्यू ए नॉट और ये होता म्यू बी नॉट, अगर स्टैंडर्ड स्टेट होते तो। तो ये मेरे पास आ गया आपका केस। अगर मैं यहां से स्टैंडर्ड स्टेट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि क्या एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड स्टेट पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एम म्यू एम नॉट प्लस एन म्यू एन नॉट प्लस डैश 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 माइनस ए म्यू ए नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट प्लस डैश 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 एंड दिस। तो याद रखिएगा अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लिखेंगे यही रिएक्शन तो ये आएगी। आगे मुझे इसका इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने यहां आपको समझा दी है ये बात। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन फोर की। देखिए अगर आपका इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर हो तो इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन से जो भी चेंज बैकवर्ड में होता है वो रिटर्न बैक कर दिया जाता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नेट चेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता, नेट चेंज ऑफ रिएक्टेंट नहीं होता, नेट चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होती। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर फ्री एनर्जी चेंज जो होती है वो जीरो होती है। तो कहा गया एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। सो इक्वेशन फोर बिकम्स, इक्वेशन फोर कैसे लिखी जाएगी, तो जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा एम म्यू एम प्लस एन म्यू एन प्लस डैश 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 माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी प्लस डैश डैश डैश। नाउ दिस इज मूव टुवर्ड्स दिस, तो ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो इसे इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा म्यू ए प्लस म्यू बी प्लस म्यू, अगर आगे कुछ होता अभी दो ही हैं तो प्लस डैश 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 इक्वल टू स्मॉल एम ऑफ म्यू एम प्लस म्यू एन
प्लस डैश डैश डैश, तो ये आपने वैल्यू इधर भेज दी, तो ये इसके बराबर हो गई। इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन 5। ठीक, इस वाली इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, बड़ा काम आएगी अभी ये। तो ये हो गया इक्वेशन 5। अब जरा एक बात समझिएगा, मान लीजिए इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट। तो अगर ये गैसेस स्टेट में दिए हैं तो इनकी केमिकल पोटेंशियल एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो मान लेता हूं, कहा गया इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इन गैसियस स्टेट सो द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? इनके केमिकल पोटेंशियल इस इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे, म्यू इक्वल्स टू म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी। देखिए, हमारे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है तो बेटा उस कंटेनर में रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, तो उस कंटेनर में पूरा एक गैसियस मिक्सचर होगा। तो उस गैसियस मिक्सचर में ए का भी प्रेशर होगा, कुछ बी का भी प्रेशर होगा, कुछ एम का भी प्रेशर होगा, कुछ एन का भी प्रेशर होगा। तो उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर किसी एक गैस का नहीं होगा, टोटल प्रेशर इन गैसों के प्रेशर के सम के बराबर होगा। दैट इज वाई हम यहां स्मॉल पी लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक भाई, अब अगर गैसियस रिएक्टेंट है और गैसियस प्रोडक्ट है तो उसका केमिकल पोटेंशियल इस इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन के आधार पर म्यू ए की वैल्यू क्या होगी? नाउ म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन और पी ए, यानी प्रेशर ऑफ गैस ए। फिर म्यू बी ये हो जाएगा म्यू बी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बी, यानी प्रेशर ऑफ गैस बी। ऐसे ही म्यू एम, तो म्यू एम इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम नॉट प्लस आर टी एल एन पी एम। ऐसे ही म्यू एन, तो म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन नॉट प्लस आर टी एल एन पी एन। तो इस तरह से आपको म्यू ए, म्यू बी, म्यू एम और म्यू एन की वैल्यूज मिल गई। नाउ अब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 5 पे रखेंगे। तो नाउ पुटिंग, आप बोलेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू ए, म्यू बी, म्यू एम एंड म्यू एन इन इक्वेशन 5 वी गेट। तो रखते हैं भाई इक्वेशन 5 में। तो बेटा मुझे अब ये रफ करना पड़ेगा, दो इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो मैं इसे अभी रफ नहीं कर रहा हूं, और हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन 4 से ही हमने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, हम ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन 4 से हम कभी भी ये स्टैंडर्ड स्टेट बना सकते हैं। तो हम इन वैल्यूज को यहां रखने वाले हैं तो हमें ये रफ करना पड़ेगा। तो बेटा रफ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इन वैल्यूज को हम रखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं इस इक्वेशन रखेंगे तो ये बहुत लंबे लंबे इक्वेशन जाएंगे, तो इधर भी मिटाना ही पड़ेगा अभी। तो ये वैल्यूज यहां रखते हैं, इसकी जगह इसका, इसकी जगह इसका, लेकिन याद रखिएगा म्यू ए की वैल्यू है ये, ए जो है इस पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ए लिख लो ए, फिर म्यू ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए, फिर इनकी वैल्यू हो गई। नाउ प्लस
म्यू बी की वैल्यू, तो ये बी फिर म्यू बी की वैल्यू, तो हो जाएगा म्यू बी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बी प्लस डैश डैश डैश, अगर कोई होता तो उसकी वैल्यू रखी जाती। अब हम प्रोडक्ट की वैल्यू रखें म्यू एम म्यू एन की, तो ये आगे रफ करना पड़ेगा, मैंने कहा था इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। चूंकि इस वाले में रखना है अभी, तो इसको नहीं मिटाते हैं, तो ये वैल्यू म्यू एम यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल एम, म्यू एम की वैल्यू रखेंगे म्यू एम नॉट प्लस आर टी एल एन पी एम प्लस स्मॉल एन, और म्यू एन की वैल्यू रखेंगे तो म्यू एन नॉट प्लस आर टी एल एन पी एन प्लस डैश डैश डैश। चलिए सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इसका कोई मतलब नहीं, मैं रफ कर देता हूं। चलिए हम चाहते हैं कि हम इन ब्रैकेट्स को खोल लें, तो खोल लीजिए, ये हो जाएगा म्यू ए नॉट के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ए का मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू पर भी होगा, तो ए आर टी एल एन पी ए प्लस ये हो जाएगा बी म्यू बी नॉट प्लस बी आर टी एल एन पी बी प्लस डैश 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 इक्वल्स टू, ये भी खोल दीजिए, तो एम म्यू एम नॉट प्लस एम आर टी एल एन पी एम प्लस एन म्यू एन नॉट प्लस एन का इनसे मल्टीप्लिकेशन एन आर टी एल एन पी एन प्लस डैश डैश डैश। हम चाहते हैं कि जितने म्यू वाले टर्म हैं वो एक साथ एक ब्रैकेट में कर लें और ये वाले टर्म एक साथ एक ब्रैकेट में कर लें, चूंकि सब प्लस में ही है तो किसी को भी ब्रैकेट में ले जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इनको मैं एक ब्रैकेट में कर लेता हूं, तो ए म्यू ए नॉट प्लस दिस बी म्यू बी नॉट प्लस, अगर और कोई टर्म होता तो उसके लिए भी म्यू का टर्म होता, तो प्लस डैश 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 फिर लगाओ प्लस इनको एक ब्रैकेट में। अच्छा इसमें इसमें देखो आरटी कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में ले जाने से पहले इसमें आरटी को आप बाहर निकालो कांस्टेंट के तौर पर कॉमन, तो ये हो जाएगा ए एल एन पी ए प्लस यहां से आएगा बी एल एन पी बी प्लस, अगर इसमें भी कोई टर्म होता तो वो आता दिस। चलिए यहां भी वही काम कर लीजिए, इक्वल टू का साइन लगाया, तो एम म्यू एम नॉट प्लस एन म्यू एन नॉट प्लस डैश डैश डैश, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई और होता तो उसका भी पोटेंशियल का टर्म होता, प्लस इसमें और इसमें भी आरटी कॉमन है तो एम नहीं आरटी कॉमन ले लीजिए, तो आरटी ब्रैकेट में एम एल एन पी एम प्लस एन एल एन पी एन प्लस डैश डैश डैश। जरा आप लोग एक बात गौर करिएगा, यहां n log m का टर्म बन रहा है, देखिए n log m फॉर्मूला लिख देता हूं और मिटा दूंगा भी, ध्यान रखिएगा n log m अगर हो तो क्या होता है ln m की दी पावर n, तो ये वैल्यू जो होगी वो पावर में जाएगी, तो बेटे इसमें भी ln ये बनेगा m ये बनेगा n, ln ये बनेगा m ये बनेगा n, ln ये बनेगा पूरा m ये n, ln ये बनेगा पूरा n ये n, तो सब पावर में चली जाएंगी वैल्यूज, तो ये बात याद रखिएगा ठीक। तो एक काम करिए इनको पावर्स में बनाते हैं, साथ ही साथ एक चीज और समझिएगा, इनको हम इधर भेज दें और इनको हम उधर भेज दें ताकि ये सारे टर्म एक तरफ हो जाएं, तो कर लेते हैं, तो हम इसको इधर रहने देते हैं आर टी ए, अच्छा ये पावर में भी ले जाना है तो यहां लगा लो पावर में, तो आर टी एल एन पी ए दी पावर ए प्लस एल एन पी बी दी पावर बी प्लस डैश डैश डैश, इसको इधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा माइनस,
ये प्लस है, इधर लाओगे माइनस आर टी, और बेटा इसमें भी एम दी पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पी एल एन पी एम दी पावर एम प्लस एल एन पी एन दी पावर एन प्लस डैश 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 इक्वल टू, इसे उधर उठा ले जाइए तो ये आ जाएगा एम म्यू एम नॉट प्लस एन म्यू एन नॉट प्लस डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा ए म्यू ए नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट प्लस डैश 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 सो ऑन। तो ये हो गया, हम आपसे बार बार यहां एक इक्वेशन लिखी रही थी, हम कह रहे थे ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फोर के बाद, देखिए इक्वेशन फोर के बाद यही इक्वेशन आई थी, इसकी वैल्यू डेल्टा जी नॉट होगी, तो कहा गया सिंस इसकी वैल्यू होगी डेल्टा जी नॉट, इक्वेशन फोर से आपको बताई थी, तो दिस वैल्यू इज डेल्टा जी नॉट एम म्यू एम नॉट प्लस एन म्यू एन नॉट प्लस डैश 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 हो जाएगा माइनस ए म्यू ए नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट प्लस डैश 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 दिस। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू अब हम रख देते हैं अपने इक्वेशन में, यहां रख दोगे तो क्या मिलेगा। अच्छा ये तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू डेल्टा जी के बराबर मिल गई, यहां देखिए कुछ और सॉल्व हो सकता है, आर टी इन दोनों में क्या है कॉमन, साथ ही साथ ये लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला बन रहा है, तो लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो यहां सॉल्व भी कर लेते हैं, तो ये आप कॉमन ले लो पहले, ठीक कॉमन ले लिया इन दोनों में, समझ रहे हैं इन दोनों में कॉमन ले लिया, अब इनको सॉल्व भी कर लें, तो एक काम करते हैं इनको लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा एल एन पी ए दी पावर ए इंटू पी बी दी पावर बी, और अगर कोई और होता तो वो ठीक, तो आर टी कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व करके ये कर लिया, फिर आएगा माइनस, फिर इनका एल एन ये एम प्लस ये एन, तो आगे सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन पी एम दी पावर एम इंटू पी एन दी पावर एन डैश 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 ये आएगा। जरा समझ लीजिए हमने दो काम एक साथ कर लिए हैं, देखिए पहले आप इसको कॉमन लीजिए, तो आर टी कॉमन लिया तो ये आप आर टी बाहर, तो ये माइनस ये बचेगा, ठीक अब इसमें लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगा दीजिए ये हो जाएगा, इसमें लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगा दीजिए ये हो जाएगा, तो एम इंटू एन एम प्लस एन होता है, एम इंटू एन एम प्लस एन होता है, तो दिस इक्वल्स टू ये वैल्यू आपने इसके बराबर रख दी, तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट। देखे समझ गए होंगे आई होप सो, नहीं समझे तो फिर से देखिए, ये वैल्यू डेल्टा जी नॉट के बराबर थी, तो ये हमने डेल्टा जी नॉट रख दिया, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप शायद ना समझ पा रहे हो क्योंकि हम स्टेप को कम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा के ही लिख देता हूं। चलिए आर टी एल एन पी ए दी पावर ए प्लस एल एन पी बी दी पावर बी प्लस डैश 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 ये एक ब्रैकेट में, फिर माइनस ये आर टी कॉमन निकाला था, तो ये एल एन पी एम दी पावर एम प्लस एल एन पी एन दी पावर एन प्लस डैश 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 एक ब्रैकेट में, ये पूरा एक ब्रैकेट में क्योंकि आपने इन दोनों से आर टी कॉमन ले लिया है, इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, क्योंकि ये वैल्यू तो इसके बराबर रख दी जाएगी, ये समझ गए। अब हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया लॉग एम प्लस लॉग एन का, तो ये लॉग एम इंटू एन हो गया, इसमें लगाया लॉग एम प्लस लॉग एन का, तो लॉग एम इंटू एन हो गया। चलिए अब जरा देखिए इसमें लॉग ये पूरा एम माइनस लॉग पूरा एन, तो लॉग एम अपॉन एन बनेगा, तो ये हो जाएगा आर टी, ये हो जाएगा एल एन एम अपॉन एन, तो ये बनेगा पी ए दी पावर ए पी बी दी पावर बी अपॉन पी एम दी पावर एम पी एन दी पावर एन, तो लॉग एम अपॉन एन बन गया इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट। बेटा इधर आर टी है उधर ले जाओगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन पी ए
द पावर ए पी बी द पावर बी अपॉन पी एम द पावर एम पी एन द पावर एन इक्वल्स टू, ये इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो देखे जरा इसको, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये आपके पास हो गया। अब जरा एक बात समझिएगा, हमें बेटा पी ए दी पावर ए पी बी दी पावर बी नीचे चाहिए और पी एम दी पावर एम पी एन दी पावर एन ऊपर चाहिए, तो कोई समस्या ही नहीं सर, लॉग का टर्म है, जैसे लॉग का टर्म बदलोगे इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास देखिए, इसको आप पलट दीजिए तो ये हो जाएगा एल एन पी एम दी पावर एम पी एन दी पावर एन अपॉन पी ए दी पावर ए पी बी दी पावर बी इक्वल्स टू। तो जैसे इधर पलटेंगे ये साइन निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक भाई, अब जरा एक बात समझिएगा, ये लॉग दिस इस लॉग का मतलब क्या सर, इस लॉग एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई, तो ये हो गया लॉग बेस ई ऑफ दिस इक्वल्स टू ये वैल्यू। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा मैथ्स वाले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना देंगे, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको याद होगा मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको लॉग पढ़ाया था बहुत डिटेल में। क्या होता था, बेस द पावर वैल्यू इक्वल टू लॉग का टर्म होता था। तो ये लॉग का टर्म आएगा पी एम द पावर एम पी एन द पावर एन अपॉन पी ए द पावर ए पी, एक मिनट देख लें यहां दिख रहा है वीडियो में, हाँ दिख रहा है, तो पी बी द पावर बी इक्वल टू। तो देखिए लॉग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं तो बेस द पावर वैल्यू होती है इक्वल टू टर्म, तो ये टर्म हो गया, फिर बेस द पावर वैल्यू तो ई द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये मेरे पास आ गया पी एम द पावर एम पी एन द पावर एन पी ए द पावर ए पी बी द पावर बी इक्वल टू ई द पावर बेस ई द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब जरा यहां समझिए और आगे देखिए, इस क्वेश्चन में पी एम द पावर एम, पी एम क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एम द पावर एम, स्मॉल एम क्या है नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर। ठीक, आपने शुरुआत में प्रेशर्स लिए थे कांस्टेंट और टेम्परेचर लिया था कांस्टेंट, आप जब शुरुआत में लिख रहे थे हम लिख रहे थे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस मींस द प्रेशर्स आर कांस्टेंट, दिस मींस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी नॉट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर वेरी करता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा जी नॉट भी क्या हो गया कांस्टेंट, और अगर डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट तो ये पूरी पावर क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो लिख देता हूं मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टर्म ई द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ई द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी एम द पावर एम पी एन द पावर एन अपॉन पी ए द पावर ए पी बी द पावर बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यहां हम कॉन्स्टेंट लेंगे केपी। तो ये मेरे पास हो गया पी एम द पावर एम पी एन द पावर एन पी ए द पावर ए पी बी द पावर बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब केपी, यानी केपी मतलब दिस। यही तो तुम्हारा था क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केपी इक्वल टू क्या होता था पी एम द पावर एन पी एन द पावर एन पी ए द पावर ए पी बी द पावर बी फॉर द गिवन रिएक्शन। ये आपका देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर लिखा है विद देयर पावर्स ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया केपी, क्या ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सर केसी निकालना होता
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शुरुआत में जहां पर हमने प्रेशर्स लिए थे वहां पर हम क्या कर देते, कंसंट्रेशंस कर देते, तो ये सी का टर्म निकल आता केसी। लेकिन आप केपी निकालिए और केपी इक्वल टू केसी का रिलेशन है, जैसे केपी निकलेगा केपी इक्वल टू केसी के रिलेशन से आप केसी निकाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो ये हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, किस बेसिस पर ड्राइव किया, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक भाई, तो ये आपने देख लिया। हम उन रिलेशंस की बात कर लेते हैं जो फ्री एनर्जी चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पर न्यूमेरिकल भी लगता है। तो चलिए, हमने कहा था कि इसमें से एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया, मैंने ऊपर मिटा रखा। यहां से हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं जिस रिलेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए, रिलेशन हम यहां से निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन को जरा हम लिख लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln log base e, मतलब ln पी एम द पावर m पी एन द पावर n अपॉन पी ए द पावर a पी बी द पावर b इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू kp के बराबर अभी आपने फाइंड आउट किया है। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, ln kp इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। आर टी को इधर भेजो तो ये हो जाएगा आर टी एलन के पी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट। तो इसका सीधा सा फंडा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या, माइनस आर टी एलन के पी। बड़ा न्यूमेरिकल आता है इस पर, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं। तो जरा देखिए, ये आपके पास हो गया, इस पर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा लॉग बेस ई है, न्यूमेरिकल में लॉग का टर्म जो होता है वो 10 होता है, तो आप जरा चेंज कर दीजिए। तो जब आपके पास कहीं पर ln हो तो 2.303 ऑफ लॉग बेस 10 कर दिया जाता है वैल्यू के साथ। तो ये आपका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 केपी, इस पर न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अच्छा, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केएक्स भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपको पार्ट वन में मैंने पढ़ाया था। तो चाहे केपी हो, चाहे केसी हो, चाहे केएक्स एंड सो ऑन, सब पर न्यूमेरिकल उसी तरह से लगेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल लगाकर भी दिखाते हैं, तो फटाक से आप देख लीजिए इसको। मैं एक न्यूमेरिकल नोट कर लेता हूं और एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो चलिए भाई, एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा था वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.14, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट। इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल लगना है। देखिए क्या क्या दिया है, तो आंसर में हमने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले होशियार वो होता है जो गिवन को लिख ले, ज्यादा दिमाग लगाकर उसी में लगाने की कोशिश ना करें बेटा, आप आराम से लिख ले। तो देखिए, केपी गिवन है, केपी इक्वल टू 0.14, साथ ही साथ और कुछ दिख रहा है गिवन, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, टी दिख रहा है गिवन, तो टी इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 25 प्लस 273 इक्वल्स टू, तो ये हो गया 5 3 8 7 2 9 और ये हो गया 2 298 केल्विन। और कुछ दिख रहा है सर, और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूले में देखिए आर टी केपी, तो टी हो गया केपी हो गया आर, आर तो गैस कांस्टेंट है, तो आर इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चलिए, सारी वैल्यूज दी हो गई, तो बेटा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आपको निकालना है, बड़ा आसान है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 और आर टी ये हो जाएगा लॉग बेस 10, केपी वैल्यू रख दीजिए माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू टी की वैल्यू हो गई 298 इंटू लॉग बेस 10 ऑफ केपी, तो लॉग बेस 10 ऑफ 0.14। अब इसको बेटा आप सॉल्व करिएगा, अब आपके लिए बैठकर हम गुणा भाग तो नहीं करने वाले, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा जी हो गया।